गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आर एस जांगिड। वेलकम टू आवर चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज हम ले रहे हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश की द सेवन एजेस ऑफ मैन पोइम, मानव की सात अवस्थाएं, एंड इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई है। और विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट, उस प्ले से, उस नाटक से ये ली गई है। विलियम शेक्सपियर जो है एक, चूँकि एक नाटककार रहे हैं और उन्होंने मानव को जो सात अवस्थाओं में, मानव इस पूरे संसार को एक रंगमंच माना है। और तो विलियम शेक्सपियर इसमें क्या कह रहे हैं अपन देखते हैं कौन कौन सी वो सात अवस्थाएं हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। शेक्सपियर कहते हैं कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि सारा संसार जो है एक स्टेज है। शेक्सपियर सेज दैट ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि सारा संसार जो है एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और सारे के सारे जितने भी आदमी और औरतें जो हैं मेयरली, केवल जो हैं वो प्लेयर्स हैं, वो केवल उसके पात्र हैं। तो ऑल द वर्ल्ड, पूरे संसार को जो है वो कहता है कि ये स्टेज है, एक स्टेज है, और सारे के सारे आदमी और औरतें जो हैं, सभी लोग जो हैं वो क्या हैं, केवल प्लेयर्स हैं। दे आर ओनली प्लेयर्स, ऑल द पीपल आर प्लेयर्स। They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. They have their exit वैसे तो होता है निकास, and their entrances, और entrance होता है प्रवेश, यानी उनके अपने निकास हैं और प्रवेश हैं। इट मीन्स कभी शेक्सपियर ये कहता है कि आदमी जो है वो इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, दे बॉर्न एंड डाई ऑन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, यानी वो इस संसार में जन्म लेते हैं और मरते हैं। एग्जिट और एंट्रेंस का मतलब है कि संसार में जन्म लेते हैं और मेंटर्स हैं। ऑल द पीपल बॉर्न एंड डाई इन दिस वर्ल्ड, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक आदमी इन हिज टाइम, इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन में जो है एक आदमी प्लेज मैनी पार्ट्स, ही यानी ए मैन प्लेज मैनी पार्ट्स इन हिज लाइफ। एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में कई पार्ट अदा करता है, कई भूमिकाएँ अदा करता है। एंड हिज एक्ट्स बींग सेवन एजेज, एंड हिज एक्ट्स बींग, और उसके जो कार्य हैं बींग सेवन एजेज, वो सात अवस्थाएँ हैं। यानी ही प्लेज अ सेवन रोल्स इन हिज लाइफ, यानी वो सात प्रकार की भूमिकाएं अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में जो है निभाता है। अब वो सात प्रकार की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं दीजिए, के पहले देखते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, एट फर्स्ट, पहली जो अवस्था है। शेक्सपियर सेज द फर्स्ट जो वो इन्फेंट है, इन्फेंट का मतलब बेबी, जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है उसको बोलते हैं, नवजात जो शिशु होता है उसको कहते हैं इन्फेंट। दैट फर्स्ट द इन्फेंट, सर्वप्रथम कौन सी अवस्था आती है उसकी, इन्फेंट की, शिशु की। द फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंट, द फर्स्ट स्टेज इज न्यूली बॉर्न चाइल्ड। और न्यूली बॉर्न चाइल्ड कैसा होता है, म्यूलिंग, क्राइंग, वीपिंग, रोता हुआ, चीखता हुआ, पकिंग कहता है वॉमिटिंग, उल्टियाँ करता हुआ, इन इज नर्सेज आर्म्स, नर्सेज कहते हैं धाय, उसकी धाय की भुजाओं में, धाय की गोद में जो है वो चीखता, चिल्लाता या वॉमिटिंग करता हुआ, उल्टियां करता हुआ होता है। यानी एट फर्स्ट स्टेज द शेक्सपियर से द फर्स्ट स्टेज इज द इन्फेंट, एंड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर ही इज क्राइंग एंड ही वीप्स एंड ही क्राइज एंड ही वॉमिट्स इन द आर्म्स ऑफ द नर्स। यानी उस धाय की जो गोद में, इन द लेप ऑफ द नर्स, यानी उसकी गोद में जो है वो रोता है या फिर वॉमिटिंग करता है या उल्टियाँ करता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज के लिए आते हैं। देन द वीनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है। देन द वीनिंग स्कूल बॉय, वीनिंग मीन्स ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग, शिकायत करता हुआ, वीनिंग मीन्स शिकायत करता हुआ स्कूल बॉय। उसके बाद शिकायत करता हुआ स्कूल जाने वाला लड़का होता है, स्कूल बॉय होता है, विथ इज सैचल, सैचल कहते हैं स्मॉल बैग, एक छोटा सा बैग लिए हुए। यानी देन, उसके बाद में, देन द सेकेंड स्टेज, द पॉइंट से द सेकेंड स्टेज इज द स्टेज ऑफ स्कूल बॉय, एंड एट दिस टाइम
ही कंप्लेन्स वो कंप्लेन करता है, एंड ही हैज़ ए सैचल, ही हैड ए स्मॉल बैग ऑन हिज बैक, उसकी पीठ के ऊपर एक छोटा सा बैग होता है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस एंड हिज फेस शाइन्स लाइक ए मॉर्निंग टाइम, उसके लाइक मॉर्निंग टाइम, सुबह का जैसे मॉर्निंग समय होता है उसके समान जो है उसका चेहरा जो है शाइन्स, हिज फेस शाइन्स लाइक मॉर्निंग फेस, मॉर्निंग टाइम के समान जो है उसका चेहरा चमकता है, क्रीपिंग एंड ही इज़ वॉकिंग स्लोली, बहुत धीरे धीरे चलता है, क्रीपिंग रेंगता हुआ चलता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो स्कूल जाने का इच्छुक, अनविलिंग टू स्कूल एंड रिलेक्टेंटली टू गो टू स्कूल, वो बड़ी अनिच्छा से जो स्कूल जाता है, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, सो ही वॉक्स वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे चलता है, वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, किसके समान, लाइक ए स्नेल, एक घोंगे के समान, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है इसलिए उसके समान वो भी बहुत धीरे धीरे चलता है। फिर थर्ड स्टेज आती है एंड देन द लवर, उसके बाद में तीसरी स्टेज आती है द लवर की, शाइंग लाइक फर्नेस, शाइंग आह भरते हुए, टेकिंग लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, बहुत आह भरते हुए, ही टेक्स लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ लाइक ए फर्नेस, एक भट्टी के समान, फर्नेस कहते हैं भट्टी, धोंकनी, तो भट्टी के समान जो है वो आह भरता है, बहुत ही, ही टेक्स लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, वो लेता है, श्वास लेता है विद ए वॉफुल बैलेट, और वो क्या करता है, वॉफुल बैलेट, ए पैथेटिक लव सॉन्ग, ही सिंग्स पैथेटिक लव सॉन्ग, वो बहुत ही वेदनापूर्ण विरह गीत गाता है, एंड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और इसके अलावा ही मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो, मिस्ट्रेसेस अपनी जो उसकी जो प्रेमिका है, बिलव्ड है, उसकी आँखों की प्रशंसा में जो है वो कुछ कविताएं या गानों का निर्माण करता है, ही राइट्स सम सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ आईब्रो ऑफ हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका की आँखों की प्रेज में, उसकी जो है प्रशंसा में कुछ बैलेट्स लिखता है, कुछ गीत लिखता है, देन ए सोल्जर, उसके बाद उसकी अगली अवस्था आती है सोल्जर की, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑड्स, हिज कंस्टेंट अटरिंग ऑफरिंग ऑफेंसिव वर्ड्स, स्ट्रेंज ऑड्स, सोल्जर की स्थिति आती है उस समय, फुल ऑफ स्ट्रेंज वर्ड्स, ही इज़ फुल ऑफ ऑफेंसिव वर्ड्स, बड़े गालियाँ देने वाला, बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड्स का वो यूज़ करता है, यूजेज ऑफेंसिव वर्ड्स को यूज़ करता है, एंड बियर्ड लाइक द पार्ट, एंड बियर्ड और दाढ़ी रखता है, किसके समान, लाइक द पार्ट, लेपर्ड के समान, तेंदुए के समान जो है दाढ़ी रखता है, ही हैज़ बियर्ड लाइक द लेपर्ड, लेपर्ड के समान वो दाढ़ी रखता है, एंड जीलस इन ऑनर, एंड ही सेंसिटिव इन ऑनर, और ऑनर सम्मान के मामले में ही जीलस, वो बहुत ही जीलस है, ईर्ष्यालु है, सडन एंड क्विक इन क्वारल, ही इज रेडी टू क्वारल, हमेशा वो लड़ने के लिए जो है तैयार रहता है, झगड़ने के लिए तैयार रहता है, ही इज़ रेडी टू क्वारल, झगड़ने के लिए, पिकअप टू क्वारल, पिकअप ए क्वारल, एक क्वारल करने के लिए, झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, किस बात के लिए, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, टू गेट द होलो एंड रेपुटेशन, जो क्षणिक जो प्रतिष्ठा है, जो मोमेंट्री प्रतिष्ठा है, होलो एंड मोमेंट्री रेपुटेशन के लिए, ही इज़ रेडी टू पिकअप द क्वारल, वो कोई भी क्वारल, कोई भी जो है झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, इवन इन द कैनन्स माउथ, इवन यहाँ तक कि वो उस बबल रेपुटेशन के लिए, उस फेम, इस अपनी फेम, अपनी प्रसिद्धि के लिए, इवन इन द कैनन्स, कैनन कहता है टॉप, कैनन्स माउथ, इवन ही इज ही पुट हिज लाइफ इन डेंजर, यानी अपने जीवन को भी जो है वो खतरे में डाल देता है, एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइट विद आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइट शॉर्ट्स एंड मॉडर्न इंस्टांसेज एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। अगली जो उसकी स्टेज आती है व्यक्ति की, वो आती है जस्टिस की, न्यायाधीश की, इन फेयर राउंड बेली एंड उसका जो पेट है, फेयर राउंड बेली, बिल्कुल गोल मटोल पेट है, ही हैज ए स्वॉलन एबडमन, उसका एक पेट है जो बड़ा फूला हुआ पेट है, विद गुड कैपन लेनियर एंड विद गुड कैपन, कैपन कहते हैं मुर्गे के मांस को, एंड विद गुड कैपन ही रिसीव्स द कैपन्स एज ब्राइब, और वो मुर्गा का जो मांस है, मुर्गे हैं, उसको एक ब्राइब के रूप में, एक घूस के रूप में लेता है, विद आईज सीवियर, इसकी आँखें जो हैं, ही हैज स्ट्रिक्ट आइज, उसकी आँखें जो हैं बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, सीवियर हैं,
एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, एंड ही हैज़ ए फॉर्मल कट बियर्ड, और वह फॉर्मल कट जो है उसकी जो दाढ़ी है वो फॉर्मल कट है। फुल ऑफ वाइज चार्ज, और वो कहावतों से भरा हुआ है। ही इज़ फुल ऑफ मैगजीम्स, ही इज़ फुल ऑफ प्रोवर्ब्स, वो कहावतों से भरा हुआ है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेज, और मॉडर्न इंस्टेंसेज मॉडर्न एग्जाम्पल से भरा हुआ है। इट मीन्स ही टेल्स द प्रोवर्ब्स एंड मॉडर्न, ही गिव्स मॉडर्न इंस्टेंसेज एंड मॉडर्न एग्जाम्पल्स एज फार एज हिज डिसीजन्स आर कंसर्न। जहाँ तक उसके डिसीजन्स का, निर्णय का जो सवाल है, वहाँ पर वो जो है कई प्रकार की प्रोवर्ब्स कहता है, कहावतें कहता है, मॉडर्न इंस्टेंसेज उदाहरण देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार से वो अपना पार्ट, अपनी भूमिका अदा करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इंटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड ए वर्ड टू वाइट फॉर हिज संक सेइंग एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टू आर चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विशिल्स इन हिज साउंड। एंड द सिक्स्थ एज, अब सिक्स्थ एज छठी जो अवस्था आती है उसमें वो शिफ्ट हो जाता है इंटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। इंटू द लीन यानी वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, वियरिंग स्लीपर्स, एंड ही इज वियरिंग स्लीपर्स, वो स्लीपर्स पहना हुआ है। एंड पेंटालून, एंड ही इज जस्ट लाइक ए पेंटालून, ही जस्ट लाइक ए मॉकर, एक विदूषक के समान है। ही इज वेरी लीन, ही इज वेरी थिन, वो बहुत ही कमज़ोर है। एंड ही वियर्स स्लीपर्स, वो स्लीपर्स पहने हुए हैं। एंड ही इज़ पेंटालून, ही इज़ जस्ट लाइक ए मॉकर, एक विदूषक के समान है। अब विदूषक के समान कैसा है? विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, ही वियर्स स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, अपनी नाक पर जो है स्पेक्टिकल्स, चश्मा जो है वो पहने हुए हैं। एंड पाउच ऑन साइड, ए बैगी फोल्ड ऑफ फ्लैश अंडर द आइज, ही हैज़ पाउच ऑन साइड, उसकी जो आँखों के नीचे एक प्रकार का थैलीनुमा एक पाउच जो है एक उसके आंखों के नीचे होता है। हिज यूथफुल हॉज, उसकी जवानी के जो हॉज, हॉज कहते हैं जो मोजे, सॉक्स जो होते हैं, स्टॉकिंग्स, हिज यूथफुल स्टॉकिंग्स, हिज यूथफुल सॉक्स वेल सेव्ड केप्ट केयरफुली, दे तो हिज यूथफुल हॉज विच हैव बीन केप्ट केयरफुली, जो कि बहुत ही केयरफुली जो है रखे गए हैं, सेव्ड रखे गए हैं, बहुत ही सुरक्षित रखे गए थे। ए वर्ड टू वाइड, ये बिकम वेरी लूज, ए वर्ड टू वाइड यानी जो जवानी के उसके जो मोजे थे, उसके जो दुबले पतली जो टांगें थी, उन ए वर्ड टू वाइड उस बिकम वेरी लूज, वो बहुत ही लूज हो जाते हैं और बहुत ही ढीले हो जाते हैं। फॉर इज श्रंक सेंक, उसके जो सिकुड़े हुए, श्रंक सिकुड़े हुए, सेंक टांगे, जो श्रंक लैग्स, उसकी सिकुड़ी हुई टांगों में, उसकी पिंडलियों में जो है वो ढीले हो जाते हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी जो मैनली वॉइस थी, जो पुरुषोचित जो आवाज़ थी, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश टेरिबल पाइप, वो टर्न्स अगेन, पुनः टर्न हो जाती है टुवर्ड चाइल्डिश टेरिबल पाइप, यानी उसके थिन और वीक वॉइस लाइक दैट ऑफ ए चाइल्ड, यानी टर्न्स इनटू ए थिन और वीक वॉइस लाइक दैट ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के समान उसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल दुबली पतली और बिल्कुल पतली और वीक आवाज़ में जो है वो परिवर्तित हो जाती है, जो उसको मेनली वॉइस है वो बच्चे की आवाज़ में परिवर्तित हो जाती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और अपनी साउंड में जो है वो बिल्कुल सीटी बजाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इन सब में अंतिम जो सीन है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो कि इस इवेंटफुल हिस्ट्री, द स्टोरी फुल ऑफ मैनी इवेंट्स, जो कई घटनाओं से युक्त जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, उसका अंत होता है किसमें, इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, उसका सेकेंड बचपन, सेकेंड चाइल्डिशनेस में उसका अंत होता है। एंड मेयरली ओब्लिवियन, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जिसमें टोटल लॉस ऑफ मेमोरी है, बिल्कुल उसका उसकी जो मेमोरी है, ही लूजेस हिज मेमोरी एट दिस स्टेज। एंड द सेकेंड चाइल्डिशनेस इन द सेकेंड चाइल्डहुड, सेंस टीथ, इट लूजेस हिज टीथ, सेंस का मतलब यहाँ विदाउट, विदाउट टीथ, बिना दांतों के, सेंस आइज, बिना आंखों से, सेंस टेस्ट, बिना टेस्ट के, एंड सेंस एवरीथिंग, यानी और हर चीज़ के बिना, यानी ही लूजेज हिज टीथ, ही लूजेज हिज आइज, ही लूजेज हिज टेस्ट, एंड ही लूजेज एवरीथिंग, यानी हर चीज़ को वो खो देता है। उसका कोई टेस्ट नहीं रहता, कोई जो है किसी प्रकार का कोई, उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसके दांत जो है गिर जाते हैं, तो इस प्रकार से ही लूजेज एवरीथिंग, हर चीज़ को वो खो देता है। एंड दिस इज़ हिज सेकेंड चाइल्डिशनेस, और ये उसका सेकेंड चाइल्डहुड है, उसका बचपन है।
थैंक यू वेरी मच। ये अपना ये पोइम यहीं पे समाप्त होती है। इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। थैंक्स अ लॉट।